अल्पसंख्यकों के लिए नरकिस्तान यानी पाकिस्तान के लिए यूरोपियन यूनियन से बुरी खबर आई है। यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को साफ साफ चेतावनी दी है और समझाया है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के हालात अगर नहीं सुधरे तो इसके परिणाम बुरे होंगे। ईयू ने कहा है कि पाकिस्तान में हो रहे अल्पसंख्यकों पर अत्याचार नहीं रोके गए तो पाकिस्तान को दी जा रही सब्सिडी बंद कर दी जाएगी। यूरोपियन संसद के 51 सदस्यों ने पत्र के माध्यम से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से कहा कि पाकिस्तान तत्काल अपने पक्षपात प्रभाव को बदले, अगर ऐसा नहीं हुआ तो कारोबार के मामले में भी दी जा रही पाकिस्तान की वैरीयता को समाप्त कर दिया जाए। सांसदों ने अपने पत्र में कहा, धार्मिक चरमपंथी संगठन पाक सरकार की छह पर काम कर रहे हैं, उनका प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। इन संगठनों से जुड़े लोग अक्सर अल्पसंख्यक समुदाय की पूजा घरों और काम करने की जगहों को निशाना बना रहे हैं। साल दर साल इस तरह की घटनाओं में इजाफा हो रहा है। सांसदों ने पाकिस्तान को चेताया कि अल्पसंख्यकों पर हमला ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन। इस मसौदे के तहत संयुक्त राष्ट्र संघ ने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का प्रावधान किया है। सांसदों ने पाकिस्तान की वर्तमान सरकार के अलावा पूर्व सरकार पर भी निशाना साधा है। उनका कहना है कि कट्टर इस्लामी संगठनों ने सत्ता पक्ष की सहमति से अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया है। इसी तरह की न्यूज़ अपडेट्स में बने रहने के लिए हमारे चैनल ब्रेकिंग न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।